बच्चों आज हम दीवानों की हस्ती पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्न उत्तर करेंगे। चलो शुरू करते हैं। दीवानों की हस्ती कविता के कवि का क्या नाम है? सूरदास, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, अज्ञेय, भगवती चरण वर्मा। सही उत्तर आएगा भगवती चरण वर्मा। दीवानों की हस्ती कविता के कवि का नाम भगवती चरण वर्मा है। अगला प्रश्न, दीवाने क्या साथ लेकर चलते हैं? मस्ती, खुशी, उत्साह का आलम, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, दीवाने क्या उड़ाते चलते हैं? राख, पतंग, धूल, झंडा। सही उत्तर आएगा धूल। दीवाने धूल उड़ाते चलते हैं। अगला प्रश्न, कवि ने दीवाने किसे कहा है? देश को स्वतंत्र करवाने वाले वीरों को, देशवासियों को, अंग्रेजों को, पड़ोसियों को। सही उत्तर आएगा देश को स्वतंत्र करवाने वाले वीरों को कवि ने दीवाने कहा है। अगला प्रश्न, दीवाने क्या बनकर आते हैं? बादल, उल्लास, राग, तरंग। सही उत्तर आएगा उल्लास। दीवाने उल्लास बनकर आते हैं। अगला प्रश्न, दीवाने क्या बनकर बह चलते हैं? रस, अमृत, आंसू, पानी। सही उत्तर आएगा आंसू। दीवाने आंसू बनकर बह चलते हैं। अगला प्रश्न, दीवाने अपने हृदय पर कौन सी पहचान लेकर चलते हैं? भाषा की, स्वतंत्रता की, उत्साह की, असफलता की। सही उत्तर आएगा असफलता की। दीवाने अपने हृदय में असफलता की पहचान लेकर चलते हैं। अगला प्रश्न, कवि ने देश को स्वतंत्र करवाने वाले वीरों को दीवाने क्यों कहा है? क्योंकि उनका प्रमुख लक्ष्य देश को स्वतंत्र करवाना था, क्योंकि उन्हें दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं था, क्योंकि वह पूर्ण रूप से देश के लिए समर्पित है। उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न, वीर पुरुष संसार को क्या देना चाहते हैं? दुख और निराशा, प्यार और खुशियाँ, असफलता, पुरस्कार। इसका सही उत्तर आएगा प्यार और खुशियाँ। वीर पुरुष संसार को प्यार और खुशियाँ देना चाहते हैं। अगला प्रश्न, कविता में कवि ने भिखमंगे किसे कहा है? देशवासियों को, पड़ोसियों को, संबंधियों को, स्वतंत्रता के दीवानों को। सही उत्तर आएगा देशवासियों को, अर्थात समाज को। कविता में कवि ने भिखमंगा देशवासियों को कहा है। अगला प्रश्न, कविता में कवि ने दानी किसे कहा है? देशवासियों को, पड़ोसियों को, संबंधियों को, स्वतंत्रता के दीवानों को। सही उत्तर आएगा स्वतंत्रता के दीवानों को। कविता में कवि ने दानी स्वतंत्रता के दीवानों को कहा है। अगला प्रश्न, दीवानों की हस्ती कविता का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता प्राप्ति से पहले भारतवासियों में दीवानगी और मस्ती का वातावरण तैयार करना, तत्कालीन भारतीय समाज में फैली हुई निराशा और हताशा की भावना को जड़ से उखाड़ फेंकना, देश के जन जन के जीवन में वीरोचित उत्साह और साहस का संचार करना। उपयुक्त सभी। इसका उत्तर आएगा उपयुक्त सभी। दीवानों की हस्ती कविता के मुख्य उद्देश्य है।